हमारे रोज के खाने की चीजों में ना ऐसे कुछ चीजें हैं जो बहुत ही प्रबल है, और हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में, होम्योपैथिक में इनका उल्लेख हुआ है, और इनको बहुत ही यूनिक या ऑलमोस्ट मैजिकल माना जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही एक बहुत ही यूनिक और डे टू डे खाने में लगता है वैसा एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके फायदे देखेंगे एक्वेरियम में फिश के लिए। हिंदुस्तान ना एक ऐसा देश है जहां पे हर एक छोटे छोटे चीज का एक फायदेमंद रिजल्ट होता है। जैसे आपके खाने में कुछ कुछ चीजें लगते क्यों? बिकॉज हर एक चीज का फायदा है, हल्दी हो, अदरक हो, लहसुन हो या कुछ और हो, ठीक है, हर एक चीज का एक इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो क्विजीन बनता है, वो खाना बनता है और हमारे लिए फायदेमंद भी होता है। अगर आप देखोगे हमारे पूर्वज जो थे, एंसेस्टर्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वो सब 90 इयर्स ओल्ड, 100 इयर्स ओल्ड, बहुत तंदुरुस्त थे बिकॉज उनका खाना बहुत अच्छा था। आजकल हम लोग ये पिज्जा बर्गर के चक्कर में, इम्यूनिटी नहीं है, हजारों इश्यूज है कि नहीं? तो आज हम बात करेंगे एक मैजिकल, ऑलमोस्ट मैजिकल जो एक इंग्रेडिएंट है जो हमारे खाने में लगता है और फिश के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत ही, और वो है गार्लिक। हिंदी में लहसुन बोलते हैं। हमारे जैन समुदाय या ब्राह्मण समुदाय में ये खाते भी नहीं है, इसको टॉक्सिक माना जाता है बिकॉज इतना प्रबल है, इसका जो पावर है बहुत स्ट्रांग है, बहुत पोटेंट है ये। ठीक है, ये बॉडी का जो या शरीर का जो हीट है वो बढ़ाता है, तो एक्चुअली फायदेमंद बहुत है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। तो इसको हम फिश के लिए, अपने फिश के लिए कैसे यूज करें, काफी मेथड्स है, छोटे छोटे मेथड्स में समझाता हूं, और जो मेथड मैं यूज करता हूं वो आपको मैं दिखाऊंगा ताकि आप भी यूज करें और उसका फायदा उठाएं। तो भाई लोग, आज आप मयूर देव के पान के दुकान में आए हो, ठीक है, ये सेम पान के दुकान का स्टाइल है, और ये सब डब्बा है अलग अलग चीजों का, अलग फूड का, एएचएम फूड का, और जैसे चूने में कत्ता लगता है और पान में पत्ता लगता है, आप भी मेरे चैनल में सब्सक्राइब करो और मेरे को मजा लगता है, बहुत बेकार डायलॉग है बट सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। तो गार्लिक से हमारे फिश को फायदा क्या है, सिंपल सा बताता हूं, टेक्निकल में नहीं जाएंगे, वो टेक्निकल में दिमाग खराब होता है। सिंपल है, एक तो खाना पचाता है, मतलब पाचन शक्ति बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। दूसरा, जो फिश खाना नहीं खा रहा है अगर हम उसको थोड़ा बहुत कैसे भी गार्लिक खिला दें तो अगेन वो खाना खाने लग जाता है, ओके। तीसरा, व्हाइट स्पॉट्स, या एक अभी सर्दी का मौसम आ रहा है तो फिश को व्हाइट स्पॉट्स होने वाला है, तो अगर खाने में थोड़ा गार्लिक है, ठीक है, तो फायदेमंद जरूर। फायदे और भी हैं, अगर गार्लिक खाता है तो कुछ सीनियर हॉबीज, ओके, जब मैं When I was younger, senior hobbies मुझे बताते थे कि गार्लिक जब शरीर में जाता है तो वो पूरा शरीर को ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, हार्ट बीट ज्यादा कराता है,
और क्या होता है ना, थोड़ा बहुत वो बॉडी में भी आता है, फिश का जो बॉडी है ना रिवर्स ऑस्मोसिस से वो विटामिन्स वगैरह लेता है पानी से, और अगर अंदर कुछ टॉक्सिन्स भी है तो बाहर भी जाएगा। तो अगर ये शरीर में है, ओके, ब्लड फ्लो में है, पेट में है, तो पैरासाइट्स भी नहीं पकड़ते इसको, एंकरवर्म, लाइस, इसके लिए भी गार्लिक खाना बहुत फायदेमंद है। हाँ, मैंने पर्सनली ये देखा नहीं है, बट एक्सपीरियंस्ड हॉबी से मैंने सुना है फायदेमंद जरूर है। मेरे गैलरी में प्रॉब्लम कभी नहीं होता, ठीक है, और मैं काफी सालों से गार्लिक का यूज कर रहा हूं अपने फिश के खाने में। कैसे, देखते रहना पड़ेगा, आखिरी तक देखना पड़ेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब फिश फूड क्यों रखा है मैंने। बहुत सारे लोग मेरे को रेगुलरली पूछते हैं, कोई भी मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है, कि ये फिश को खिला सकते क्या, ये फिश को खिला सकते क्या, वो फिश को खिला सकता है क्या। तो मैंने सोचा एक सब फिश फूड सामने रखो और बताओ कि रेड पैरेट को भी खिला सकते हो, फ्लारन को भी खिला सकते हो, टर्टल को खिला सकते हो, मलावी सिक्लिट्स या ऑस्कर फ्रांटोसा, डिस्कस को भी खिला सकते हो, गोल्डफिश, छोटे फिश जैसे गप्पीज, मोलीज, प्लैटीज, टेट्रास, डेटा। और ये सीक्रेट है, लास्ट में बताऊंगा इसका फायदा, ठीक है, देखते रहो। ये जो फिश फूड है एक नया ब्रांड है टर्की से, टर्की इस्तांबुल, ओके, एंड अच्छा क्वालिटी है, प्राइस भी वैल्यू प्राइसिंग है, महंगा नहीं है। आप जो अभी रेगुलर खरीदते हो ऑप्टिमम वगैरह टेट्राबिट्स वगैरह, वही सेम मोरलेस सेम प्राइसिंग है, लेकिन क्वालिटी क्वाइट गुड, ठीक है। मैंने अपने फिश में भी ट्राई किया है, इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स है, ठीक है। मैं ज्यादातर वो कलर वलर के चक्कर में नहीं जाता हूं, इसमें फिश हेल्थी रहेगा, ओके। अगर ये फिश फूड वगैरह चाहिए तो ऑफ कोर्स आपके लोकल एरिया दुकान में देख लो, AHM ब्रांड है, AHM, ठीक है, हमारे पास भी ले सकते हो, आपका मर्जी। तो गार्लिक को खिलाए कैसे, पहले तो ये बहुत स्मेल रहता है और कड़वा भी रहता होगा फिश के लिए, हमारे लिए होता है यार, सादा गार्लिक हम खा नहीं सकते, रॉ गार्लिक खाना मतलब जान पे आता है। और अगर हमने अच्छे से चॉप किया, छोटे छोटे टुकड़े बनाए, ठीक है, और इसको थोड़ा सा लेके, अगर इसको हमने थोड़ा से लेके और टैंक में डाला तो क्या करेंगे फिश, खाएंगे कि नहीं। तो आपने देखा खाते भी हैं, ठीक है, बट कभी कभी नहीं खाते और वो गार्लिक का टुकड़ा फेंक देते हैं वापस, बिकॉज वो बहुत कड़वा हो गया या अच्छा नहीं लगा। गार्लिक आप ऐसे खिलाओ, नो प्रॉब्लम। इससे भी एक बेटर मेथड, इंटरेस्टिंग मेथड, ओके, देखते रहो। तो अभी ये AHM वाला फूड में मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगा डिस्कस वाला फूड, ठीक है। नाइस प्रोडक्ट, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एंड डिस्कस के लिए साइज भी करेक्ट है, छोटा बड़ा बॉक्स आता है आपके जितने डिस्कस है उसके हिसाब से। फ्लारन का फूड अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग फूड, ठीक है। टर्टल का रियली गुड क्वालिटी, आपके टर्टल्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फूड है, ठीक है, जो
ये वाला है, मैंने आपको बोला था ना ये सीक्रेट वाला है। अगर ये सब नहीं करना है तो ये फूड खिलाने से काम हो जाएगा, बताता हूं। तो गार्लिक को और कैसे यूज करें, ठीक है, अभी हमने इसको चॉप किया, ट्राई किया, आपने देखा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, छोटे मछली खाएंगे कुछ मछली नहीं खाएंगे, अभी ये तो बाप जो रेनबोज है वो तो कुछ भी खाते हैं, खा लेंगे, अगर वो खा लिया नो प्रॉब्लम। आपको ये हफ्ते दो हफ्ते में एक बार, रोज मत करना, कोई भी चीज ओवर करोगे तो प्रॉब्लम होगा, रोज कभी मत खिला, हफ्ते में एक बार, ओके। मैं आपको एक सिंपलर मेथड बताने वाला हूं, सिंपलर मेथड क्या है, एएचएम में एक मरीन वाला फूड भी है, ओके। और ये आज ये मरीन वाला फूड क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि गार्लिक सिर्फ फ्रेश वाटर फिश के लिए नहीं है, आप मरीन फिश के लिए भी यूज कर सकते हो। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, ठीक है, मैं समझाता हूं। अभी ज्यादातर जब हम नए फिश खरीद के आते हैं, दुकान से हमने नया फिश खरीद के लाए, और पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था स्ट्रेस के बारे में, आप ऑटो में लेते हो, कार में लेके आते हो, या ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन, कोई दूसरे शहर से आपके पास आता है और वो फिश पूरा स्ट्रेस आउट हो जाता है और खाना नहीं खाता, तो अगर आपने पहला खाना उसको गार्लिक के साथ खिला दिया तो उसका पेट सेटल होता है, स्ट्रेस कम होता है और वो खाना खाने लग जाता है, एपेटाइट बढ़ता है, मतलब भूख बढ़ाता है, गार्लिक में ये भी फायदा है। हाँ, मैंने ये तो बोल दिया था, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, पैरासाइट कम करता है, इंटरनल या एक्सटर्नल सब के लिए फायदेमंद है गार्लिक, ओके। तो अभी देखो कैसे यूज करने का इंटरेस्टिंग मेथड है, उसके लिए कुछ चीज चाहिए होगा, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक व्हाइट कलर का मलमल का या यू नो कॉटन का कपड़ा, एक वाटी, ये कॉटन का कपड़ा वाटी में डालो, ये दुकान में मिलता है गार्लिक पेस्ट, अगर आपको ये नहीं खरीदना है नो प्रॉब्लम, इसको आप मिक्सर में डाल दो, ब्लेंड करो, ओके, पेस्ट बना दो, अच्छे से सॉफ्ट पेस्ट बनाओ, और ये पेस्ट को, ठीक है, जो घर में बनाया है या ये दुकान वाला जो भी है, ठीक है, थोड़ा सा ये कपड़े में निकालेंगे और ये फ्रिज में रह जाता है, रोजमर्रा के खाने में लग जाता है, तो वेस्ट कुछ होता नहीं है, और इसको ना हम निचोड़ लेंगे, इसका जूस निकालेंगे, ऐसे हम इसको निचोड़ेंगे तो इसका जूस निकलता है, अच्छे से निचोड़ लेना, हमें सिर्फ इसका जूस चाहिए, ओके। इसमें एक 8-10 ड्रॉप जूस है, अच्छा है। तो जैसे मैंने बोला था इसमें एक 8-10 ड्रॉप है, ओके, कोई भी खाना ले लो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप जो भी अपने फिश को खिलाते हो, ऑप्टिमम होगा, हिकारी होगा, कोई भी ब्रांड होगा, टेट्रा होगा, कुछ भी होगा, या एएचएम भी हो सकता है, ओके। इसमें ना आप क्या करोगे, एक चम्मच खाना, ठीक है, ये पूरा एक चम्मच है, एक वाटी में लो, ओके, ले लिया, और फिर इसमें हम एक 3-4 ड्रॉप गार्लिक जूस डालेंगे, थोड़ा डाल दिया, हो गया 3-4 ड्रॉप, अभी ये है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये अंग्रेजों का ठीक नहीं होता है, देसी नुस्खे बेटर,
देखा अच्छे से मिक्स हो गया। तो फूड में मिक्स हो गया, इसमें थोड़ा बहुत गार्लिक का स्मेल भी आ रहा है, मेरे को थोड़ा और चाहिए, ठीक है, थोड़ा स्ट्रांग चाहिए, तो मैं बाकी का भी डाल रहा हूं। हम डाल दिया मैंने, एक्चुअली बेटर ना, ठीक है, तो ये गार्लिक जूस भी वेस्ट नहीं होगा। और ये फूड को अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी ये फूड थोड़ा गीला है, ठीक है, और हाथ में चिपक रहा है, तो इसको सूखने देते हैं, ठीक है। हा नाइस, अच्छा है गार्लिक का स्मेल, इसको हम सूखने देंगे, ये अच्छा सूख जाएगा, एक ज्यादा नहीं 15-20 मिनट, आधा घंटा कभी भी। तो आप खाना खिलाने से पहले थोड़ा ये करके आप छोड़ दीजिए, एक आधे घंटे में खाना खिला देना, ठीक है, तब तक ये सूख जाएगा, नहीं तो फैन के नीचे रख दो, नो प्रॉब्लम, ओके। ये मेथड में क्या होता है, जो भी आपका खाना है ना वो ड्राई है, ड्राई फूड इसलिए बोलते हैं, वो बिकॉज ड्राई है और हम गार्लिक का जूस डाल रहे हैं, वो सोख लेता है गार्लिक का जूस को और अंदर हो जाता है, और ये खाना जब हम फिश को खिलाएंगे तो गार्लिक के साथ पेट में जाएगा और ये गार्लिक फिश को फायदेमंद होते रहेगा, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि फिश को उतना ही खाना खिलाए जो वो 1-2 मिनट में खा सके। अभी जैसे आप देख रहे हो 1 मिनट में हमने थोड़ा बहुत डाला, वो खत्म हो गया तो खत्म हो गया। फिश हमेशा ऊपर आते रहेंगे और खाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप खिलाएं, ओके। तो अभी आपने देखा कि फिश कितना छाव से खाता है, मजा लेके खाता है खाना, ओके, बहुत मजा लेके खाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जब भी फिश का पेट साफ होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फिश हेल्थी। आपको क्या करना है, अच्छा खाना, साफ पानी, और अभी ये मौसम में हीटर लगेगा तो हीटर का वीडियो नेक्स्ट, बिकॉज विंटर आ रहा है, हीटर कैसे यूज करने का और हीटर का फायदा क्या है, कब यूज करने का, कब ऑन करने का, कब ऑफ करने का, सब कुछ अगले वीडियो में, ओके। बट जाना मत, जाना मत, जाना मत, इसके बारे में तो बोला ही नहीं। तो ये है AHM का स्पिरुलिना गार्लिक फूड। मैंने पिछले होममेड वीडियो में स्पिरुलिना का फायदा बताया था कि कितना अच्छा है फिश के लिए, स्पिरुलिना एल्गे है और फिश का हेल्थ बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और जब गार्लिक के साथ मिक्स करो तो और भी अच्छा। हाँ, अगर ये नहीं करना है नो प्रॉब्लम, ये वाला डब्बा ले लो, ठीक है, इजी है, कोई भी खाने के साथ थोड़ा ये मिक्स कर लेना, या हफ्ते में एक बार एक दिन ये खिला लेना, नो प्रॉब्लम, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन प्रोडक्ट वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, एक्चुअली काफी सारे फिश फूड्स में ये नहीं है, ठीक है, ये फायदेमंद है। तो आपने आज देखा ना कि फिश फूड कोई भी हो, AHM का हो या आपका कोई भी हो, गार्लिक कैसे यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल मेथड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नुस्खा है, और गार्लिक तो घर में होता ही है यार। हाँ, अगर आप जैन हो या ब्राह्मण हो तो सॉरी, आपके घर में नहीं होगा गार्लिक, बट आप कभी ये गार्लिक वाला फूड यूज कर सकते हो, फायदेमंद, और आपको गार्लिक घर में लाने का जरूरत नहीं होगा, बट बाकी लोग, ओके, गार्लिक हमेशा घर में होता है, बहुत यूजफुल है। प्लीज 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 ओवर मत करना, ये कभी मत पूछना मेरे से कि रोज डालूं क्या, रोज नहीं, रोज हम लोग दवाई खाते क्या, नहीं, जब बीमार हो तब दवाई खाओ, और ये सब नुस्खे हफ्ते में 1-2 दिन आप अब करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपने एक तो एक प्रोडक्ट देखा और गार्लिक जैसे सिंपल रोजमर्रे के इंग्रेडिएंट, घर का जो चीज है, उसका फायदा समझा,
गार्लिक हमारे लिए भी, इंसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, नुकसान भी है बट बेनिफिट्स बहुत है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, स्मोकर्स, यू नो, लंग इश्यूज, कैंसर, बहुत चीजों में गार्लिक फायदेमंद है। वीडियोस है यूट्यूब में, देख लीजिएगा। एंड एज ऑलवेज मैं आशा करता हूं कि आपने ये भी वीडियो मजा लिया, कुछ सीखने को मिला। एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से और मेरे पूरे टीम की तरफ से और ये गार्लिक के तरफ से भी, ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस है, और भी इंटरेस्टिंग आइडियाज है। रोज घर में छोटे छोटे चीज जो आपके हॉबी को बढ़ाए और आपको फायदा मिले, ठीक है, बाय।